हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर सदर थाने के पास स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश देकर अनैतिक कार्यों में लिप्त स्पा संचालक सहित दो युवकों व चार युवतियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार सदर थाने के पास बुद्धा नामक स्पा सेंटर में पुलिस उपाधीक्षक व उनकी टीम ने दबिश दी तो वहां पर चार युवतियां व एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पाए गए, जिस पर पुलिस ने स्पा मालिक सहित दो युवकों व चार युवतियों को हिरासत में लिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाने में पूछताछ व आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार व स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर सत्यापन करवाया, जिस पर शिकायत सही पाई जाने पर दबिश दी गई, जिसमें संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर दो युवकों व चार युवतियों को हिरासत में लिया गया है। इस युवतियों में दो युवतियां पश्चिमी बंगाल, एक उत्तर प्रदेश व एक दिल्ली की है तथा युवक एक बाड़मेर शहर निवासी है तथा दूसरा दिल्ली निवासी है। गौरतलब है कि बाड़मेर पुलिस द्वारा 9 दिन पहले भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी, जिसमें भी गोल्डन स्पा में इसी प्रकार 5 युवतियां व 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह इन्होंने ये कहा, बाड़मेर में सिंधी चौराहे और चौकन चौराहे के बीच में एक नेशनल हाईवे पे इस पपुदा डिलक्स स्पा के नाम से चलता है। इस तरह की शिकायत थी कि यहाँ देह व्यापार और इमोरल ट्रैफिक का काम होता है, जिस पर सूचना की तस्दीक की और पता किया, जिस पर हमने रेड दी तो वहाँ इस तरह का व्यापार करती हुई 4 लड़कियाँ युवतियाँ तथा एक मालिक और एक लड़का ग्राहक के रूप में हमने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई चल रही है। सर कहाँ की है युवतियाँ सारी निकले? युवतियाँ उसमें से 2 पश्चिम बंगाल की है, 1 दिल्ली की है और 1 यूपी की है। सर बाड़मेर से छोटे से शहर में तेजी से 2 स्पा बढ़े हैं, इसको लेकर पुलिस कितनी गंभीरता से इस तरह उठा रही है और आम जनता जो है उनसे अपील क्या रहेगा? हाँ, बाड़मेर जैसे छोटे कस्बे में स्पा की आड़ में जो देह गमन और वैश्यावृत्ति का कार्य हो रहा है ये अधिक तेजी से बढ़ा है। तो इसमें हमें सूचना मिलते ही कुछ दिन पहले कार्रवाई की थी, अभी वापस कार्रवाई की और इस तरह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरारा मेघावल की रिपोर्ट।